इस खबर के प्रायोजक हैं नवाब ढाबा। नवाब ढाबा भिवंडी की एक नई पहचान। यहां आपको बेहतरीन खाने के साथ साथ बच्चों के लिए कई गेम्स भी मिलेंगे, साथ ही साथ सेल्फी लवर्स के लिए सेल्फी पॉइंट भी है। तो देर किस बात की, आप भी आए नवाब ढाबा और सभी सर्विसेज का लुफ्त उठाए। एड्रेस दीनार विलेज, नासिक रोड, भिवंडी। नमस्कार, मैं संदीप कुमार। इस समय हम भिवंडी के क्वार्टर गेट मस्जिद के पास है, जहां आपको बता दें कि आज एक सिग्नेचर कैंप चलाया गया था, कैंपेनिंग चलाया गया था, विशेष तौर पर नुपुर शर्मा के खिलाफ, जो कि आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। उन्होंने एक विवादित बयान दिया था हजरत पैगंबर के खिलाफ विरोध में, जिसको लेकर हम आपको बता दें कि मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं काफ़ी आक्रोशित होते हुए दिखाई दिए। कई जगहों पर उनके खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ, लेकिन फिलहाल कोई एक्शन ना होने के कारण आपको बता दें कि आज एक सिग्नेचर कैंपेनिंग चलाया गया, जहाँ पर रजा एकेडमी के माध्यम से सिग्नेचर कैंपेनिंग चलाया गया, विशेष तौर पर नुपुर शर्मा के खिलाफ में। इनकी मांगनी है विशेष तौर पर कि नुपुर शर्मा के ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि देखा जाए अभी तक 10 दिन बीत चुके, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसको लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों में एक आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। किस विषय पर रखी गई है और इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, पूरी दुनिया में जो है ये बात के लेकर बेचैनी पाई जा रही है कि जो टाइम्स नाउ चैनल पे बीजेपी का स्पोक पर्सन जो है अनूप शर्मा ने, उन्होंने सरकार अलैहि सलाम को हमारी सबकी माँ है आयशा सिद्दीका के जहन में गुस्ताखी की थी, और उसके खिलाफ़ हिंदुस्तान के बहुत से इलाके में सबसे पहले हमारे चीफ शहीद नूरी साहब ने मुंबई में पायदोनी प्रोडक्शन में FIR करवाई, फिर उसका मुमरा में हुई या भिवंडी में अपने भिवंडी सिटी पुलिस स्टेशन कुआं वाले में भी FIR हुई, और पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया कि उन्होंने बिगड़ कुछ परेशानी के फौरन FIR ले लिया। मगर होता ये है कि FIR के बाद कार्रवाई अभी तक का कुछ भी नहीं हुई, यानी उसको किसी किस्म का कोई अटैक या कुछ भी नहीं हुआ है, तो उस कार्रवाई हो उसके खिलाफ। उस सिलसिले में यहाँ पर आज सिग्नेचर कंपेनिंग का हम लोगों ने इनका किया है। ये बम्बई रजा एकेडमी का ऐलान था, पूरे हिंदुस्तान में इसका इनका हो रहा है, उसी तरह भिवंडी में भी यहाँ साइन कंपेनिंग का इनका हुआ है। हम चाह रहे हैं ये पूरा साइन होने के बाद इसको लेके जाएंगे पुलिस स्टेशन में, वहाँ जमा करेंगे और पुलिस डिपार्टमेंट से ये मांग करेंगे कि जो FIR हुआ है उसके ऊपर कार्रवाई हो। इसको लेकर कोई बोर्ड में कोई पिटीशन दाखिल क्यों नहीं करती है? अभी असल में जो है इससे पहले देखो कई पिटीशन दाखिल हुई है, और रजा एकेडमी ने जो है असेंबली में कोशिश की है कि इसके खिलाफ एक कानून बने, किसी भी धर्म गुरु के खिलाफ कोई बदतमीजी कोई जो है इंसल्ट नहीं करे। इसके कानून बनाने के लिए रजा एकेडमी ही ऐसी अकेली है, जो हमारे चीफ शहीद नूरी साहब है वही पहचाना, वही कोशिश कर रहे हैं। देखा जाए तो तहफ्फुज़ नामुर रिसालत भी इस मुहिम के लिए काम कर रही है, मगर आज तक किसी के विरुद्ध गुनाह दाखिल नहीं हुआ, क्या बात है इस बारे में? नहीं, जब से तहफ्फुज़ नामुर रिसालत बोर्ड बना हुआ है, तो तकरीबन जो है 7 से 8 बड़े बड़े गुनाह दाखिल हो गए, जैसे फिल्म बनी थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके अलावा और जो नसमानंद था, और कई लोग जितने भी गुस्ताखी किए हैं उनके लिए उनके खिलाफ FIR हुई है, और वही आज ये जो सैन का कंपेनिंग इसीलिए है कि FIR तो हो जाती है मगर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, तो ये सैन का कंपेनिंग इसीलिए की है कि ताकि FIR का छोड़ नहीं दिया जाए। अब तक कितने सिग्नेचर हो गए और कितने सिग्नेचर का टारगेट है आपका? देखिए, अभी तो हम लोगों ने क्या किया था, पूरी भिवंडी में व्हाट्सएप पे जो है आप उन लोगों ने PDF फाइल जो है वो कर दी थी कि अपने अपने इलाके में डाउनलोड करें और करें, और तकरीबन 3,000 के करीब फॉर्म यहाँ लेके हम लोग खड़े हुए हैं सिर्फ कोटागढ़ मस्जिद पे। अब शाम तक का या कल तक का जितने कितने आएंगे, तो मिला के जितने आएंगे सबको मिला के आगे जमा करके आएंगे। अगर नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं तो आगे आपके अगला कदम क्या होगा? आगे जो हमारा बम्बई से चीफ जो हमारे शहीद नूरी साहब है जो इसके मामले में आदेश देंगे, लेकिन मुंबई में जो तहफ्फुज़ नामा बोर्ड है तो उसके साथ में एक वकील लोगों का ग्रुप भी है, यानी बोर्ड में हर किस्म के लोग है, तो जो है लीगल एडवाइजर के लिए वकील लोगों का ग्रुप भी है, तो अगर यहाँ पर नहीं होगा तो आगे कानूनी तौर पर क्या करना है, जो भी करेंगे कानूनी तौर पर करेंगे, तो आगे वकील लोग मशवरा देंगे।